मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो ऐसे कैजुअली बात कर रही थी। उस बात में मैं बस इतना बोली। निधि साफ साफ बोलो क्या कहा। मैं बताती हूँ मॉम, तिथि ने मुझसे ये कहा कि ये मेरा घर नहीं है, है। How dare you? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? समझती क्या हो तुम अपने आप को? और बाय द वे तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली? और इस घर में मेरा तुम्हारा कब से हो गया? हे एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये लूथरा हाउस है। इस फैमिली में जितने मेंबर्स हैं ना, हर चीज पे सबका हक है। तो ये मेरा तुम्हारा करने वाली तुम होती कौन हो? हाउ डेयर यू? तुमने जो बोला बहुत गलत बोला। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये ना कृतिका का घर है ना करीना का घर है, ये उनका मायका है। मायका होता है माँ का घर और माँ का घर होता है बेटी का घर। चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो, वो अपने माँ के घर में आ सकती है, वो उसका घर है। और ये क्या है तेरा मेरा? यहाँ कोई तेरा मेरा नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है यहाँ सबका है। और इस घर में बहू और बेटी को एक तरह से ट्रीट किया जाता है, समझे तुम? मेरा एक्चुअली कोई गलत मतलब नहीं था, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही थी। मैं बस जनरली बात कर रही थी, वो राजवीर और शौर्य की बात चल रही थी तो कृतिका ने। और तुमने कृतिका से कहा कि वो उसका घर नहीं है? नहीं मॉम, सिर्फ उसका घर नहीं है नहीं कहा इसने। Like I said, इसका बोलने का ये मतलब था कि ये हमारा घर नहीं है क्योंकि हम अपने मायके में रुके हैं। ये हमारी माँ का घर है, यानी कि नानी का और आपका। Same for you and same for me, right? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? अब तुम डिसाइड करोगे हम कहाँ रहेंगे? मैंने कभी भी राखी और करीना में फर्क नहीं समझा, कभी भी करण और कृतिका में फर्क नहीं समझा। ये जितना राखी का घर है उतना ही करीना का घर है, उतना ही कृतिका का घर है। ये कभी किसी ने उसको ऐसी बात नहीं की, तुमने कैसे कह दिया? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है निधि। हर बार मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, हर बार तुम्हारा साथ दिया है और तुम आज मेरी बेटी से इस तरह से बात कर रही हो, इतनी बदतमीजी से उसे कह रही हो उसका घर नहीं है। I just can't believe this. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक बात अच्छी तरह से समझ लो निधि, इस घर में जितने बच्चे रहते हैं ना, वो ये मेरा है ये तुम्हारा है नहीं करते। करण और ऋषभ राखी भाभी के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सिर्फ भाभी को अपनी माँ नहीं समझा है। मुझे भी अपनी माँ माना है और कृतिका के लिए सिर्फ मैं उसकी माँ नहीं हूँ, भाभी भी उसकी माँ है। इस घर में ना हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, हमने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि कृतिका की माँ मैं हूँ, भाभी नहीं, सब लोग एक दूसरे के हैं। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ये सब कहने की? इसके बाद में भी अगर दोबारा से कभी भी तुमने मेरी बेटी से कुछ भी ऐसा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात अच्छी तरह से याद रखना। और वैसे निधि, मैं महीनों से देख रही हूँ कि तुम घर के मामलों में क्यों ज्यादा ही हक जता रही हो। बड़ों के होते हुए तू फैसले ले रही है, मर्यादा छोड़ रही हो, रिश्ते तोड़ रही हो। ऐसा मत करो, घुल मिल के रहो, इज्जत करो लोगों की। आज तो तुमने जो कह दिया वो कह दिया, इसके बाद अगर मैंने ऐसी कोई बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात और, किसी का दिल मत दुखाओ, अच्छे से रहो। और ये तेरा मेरा इस घर में नहीं चलता है, यहाँ जो कुछ भी है सबका है। अब जाओ अपने कमरे में, वरना ये बात और ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक आखिरी बात मेरी सुनते हुए जाओ, मैं जब भी चाहूँ ना अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकाल सकती हूँ। ये बात कभी भूलना मत। सॉरी कृतिका, बहुत इंसल्ट हो गई मेरी आज। बस अब एक बार काव्या की शादी हो जाए, उसके बाद कृतिका तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम्हारा नंबर मैं लगाऊंगी। तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें इस घर से चलता ना किया ना, तो मेरा नाम भी निधि नहीं,